हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शकुंतला बैंकिंग एकेडमी बाय दीपक सर। आज का जो मेरा सेशन है प्रॉब्लम ऑन इलेक्शन, यानी कि एग्जाम में हम लोग इलेक्शंस के ऊपर जो सम्स आएगा उसको हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, आज उसी के बारे में आज का ये सेशन है। ठीक है, तो आप लोग थंबनेल भी देखे होंगे कि इलेक्शन में अब तो हम ही जीतेंगे। ठीक है, यानी कि इसका कहने का मीनिंग है कि इलेक्शन के सम्स को हम लोग एग्जाम में अप्रोच करें, कैसे करें, उसमें अपना मतलब मार्क्स कैसे स्कोर करें, आज का सेशन पूरा उसी पे है। तो सबसे बड़ा चीज है कि इलेक्शंस का जब भी सम्स होगा, इलेक्शंस का जब भी सम होगा तो हम लोगों के दिमाग में क्या चलेगा, इलेक्शन का सम जब भी पढ़ेंगे तो मेरे दिमाग में क्या चलेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग बेसिक का बात करते हैं, बेसिक ऑन इलेक्शंस। अब देखिए, जब भी इलेक्शन का बात आता है तो सबसे पहले क्या होता है, वोट एनरोल्ड, यानी कि वोट एनरोल्ड। अब जो वोट एनरोल्ड है, यानी कि पेपर पे जिनका भी नाम है, क्या सभी लोग वोट देने जाते हैं क्या? नहीं, यहां पे दो टाइप आ गया, यहां पे लोग दो टाइप के हो गए। जैसे कुछ लोग पेपर के पे नाम रहते हुए भी वोट देने नहीं जाते हैं, और कुछ लोग मतलब बहुत लोग जाते हैं। कुछ लोग सपोज पेपर पे नाम है लेकिन पेपर पे नाम है इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो लोग कैसे जाएंगे। और तो यहां पे दो केस हो गया, नाम कटने में तो टाइम लगता है ना। चलिए, तो सबसे पहले हो गया, यहां पे पहला जो केस आ गया ये हो गया वोट नॉट कास्ट, और सेकेंड क्या हो गया, वोट कास्ट। ठीक है, सेकेंड क्या हो गया, वोट कास्ट। अब यहां पे वोट कास्ट में जो लोग सबसे पहले आया वोट एनरोल्ड, यहां पे आ गया वोट नॉट कास्ट, ये हो गया वोट कास्ट। जो नॉट कास्ट हो गया तो चलो वो उसका काम खत्म हो गया। अब हम लोग बात करते हैं वोट कास्ट में, तो वोट कास्ट में भी यहां पे दो टाइप के लोग हो गए। तो यहां पे कुछ वोट इनवैलिड हो गया, इनवैलिड, और जो बच गया वो क्या हो गया, वैलिड। ठीक है, अब इनवैलिड हो गया उसको, अब यहां पे दो चीज हो गया, वोट नॉट कास्ट ये हो गया इनवैलिड। ठीक है, तो अब यहां पे क्या है कि जो भी रनर और विनर का जो डिसीजन होता है इसी वैलिड वोट के ऊपर होता है। तो ये हो गया रनर और ये हो गया विनर, यानी कि जो वैलिड वोट है उसी के ऊपर क्या होता है, रनर और विनर का डिसीजन होता है। तो कॉन्सेप्ट के एक बार फिर से हमको देख लेते हैं। यहां पे क्या है कि जब भी हम लोग प्रॉब्लम ऑन इलेक्शंस का सम करेंगे, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या चलेगा कि अच्छा टोटल एनरोल्ड वोट कितना है। ठीक है, यहां पर क्या है, अब टोटल एनरोल्ड वोट के बाद क्या आएगा, यानी कि जो वोट एनरोल्ड है उसमें से कुछ लोग वोट देने जाएगा और कुछ लोग नहीं जाएगा। ठीक है, तो जो लोग नहीं जाएगा वो क्या हो गया, वोट नॉट कास्ट, और जो लोग जाता है वो वोट कास्ट। ठीक है, इस वोट कास्ट में यहां पे भी दो टाइप के लोग हो गए। कुछ लोग क्या हुआ, कुछ लोगों का वोट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, और बाकी क्या हो गया, वैलिड। तो इसी वैलिड वोट पे रनर और विनर का डिसीजन होता है। तो ये रहा मेरा वोटिंग सिस्टम का ये अप्रोच, मतलब इस तरह के हम लोग सम्स को इस तरह से अप्रोच करेंगे। प्रॉब्लम ऑन इलेक्शन का सम्स रहेगा तो मेरे दिमाग में यही चलेगा। ठीक है, यहां पे हम लोग चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं या टोटल वोट्स को हम लोग 100% मान के चल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग सम्स को लेते हैं। सम वहां पे आपका आप लोगों का डिस्प्ले कर दिया गया है, और हम लोग यहां पे देखते हैं सम नंबर वन। सबसे पहले हम लोग यहां पे डायग्राम रेडी कर देंगे। जैसे नंबर वन का हम बात करें, नंबर वन बोल रहा है कि देयर वर टू कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन। ठीक है, 10% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, यानी कि यहां पे सबसे पहले लिखेंगे वोट नॉट कास्ट। वोट नॉट कास्ट कितना हो गया, 10%। ठीक है, तो यहां पे जो आ जाएगा वोट कास्ट का अगर हम बात करें
कितना हो जाएगा 90%, तो टोटल वोट्स कितना हो गया 100%। तो ये हम एक रेडी कर दिए डायग्राम, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले वोट नॉट कास्ट कितना है 10%, वोट कास्ट कितना हो जाएगा 90%। यहां पर वही बोल रहा है कि देयर वेर टू कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, 10% ऑफ वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट एंड 60 votes वेयर डिक्लेयर इनवैलिड। जो 90% वोट कास्ट हुआ उसमें से इनवैलिड हो गया, इनवैलिड हो गया कितना 60 वोट्स वेयर डिक्लेयर इनवैलिड। तो नंबर ऑफ वैलिड वोट्स का अगर हम बात करें तो वैलिड जो वोट्स होगा ये कितना होगा 90% माइनस 60। वैलिड वोट्स कितना हो जाएगा 90% माइनस 60। द विनिंग कैंडिडेट गॉट 47% ऑफ टोटल वोट्स। तो यहां पे विनर और रनर दोनों आएगा। तो जो विनिंग कैंडिडेट है वो उसको कितना मिला 47% विनिंग कैंडिडेट को मिलता है 47%, और रेस्ट वैलिड वोट का 47% ऑफ किसको मिलता है 100% का, इसका 47% बोला है कि 47% ऑफ टोटल वोट्स, यानी कि टोटल 100% है तो उसका 47% विनिंग कैंडिडेट को मिलता है। तो जो रनर है रनर को कितना मिलेगा वो ये क्या करेंगे हम लोग 90% माइनस 60, टोटल वैलिड वोट्स हो गया माइनस 47%। तो यहां पे कितना 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा 3, ठीक है, और यहां पे 8 माइनस 4 4, 43% माइनस 60। यानी कि ये रहा विनर का वोट हो गया ये 47%, और 43% माइनस 60 वोट वो किसको रहा रनर को, ठीक है। अब बोल रहा है कि द विनिंग कैंडिडेट गॉट 47% ऑफ टोटल वोट्स एंड ओन द इलेक्शन बाय 308 वोट्स। अब ये जो 47% ऑफ 43 माइनस 60% का जो डिफरेंस है वो कितना है 308 है। यानी कि यहां पे लिखेंगे नाउ 47% माइनस 43% माइनस 60, इसका जो डिफरेंस हो गया वो कितना है 308, ठीक है। हाउ मेनी वोटर्स वेयर कास्ट देयर वोट इन द इलेक्शन, यानी कितना लोग कास्ट किया है, मुझे 90% का वैल्यू चाहिए, यही चाहिए ना, 90% का वैल्यू मुझे चाहिए, ठीक है। अब देखिए तो यहां पे जो क्या हो जाएगा, अब 47% माइनस 43% अब प्लस 60 इज इक्वल टू कितना 308, ठीक है। तो यहां पे 47 माइनस 43 वो हो जाएगा 4% इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहां पे 8 और यहां पे कितना 10 माइनस 6 4 248, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए 90%। तो ये कितना हो गया 248 बाय 4 इंटू 90, ठीक है। तो यहां से आप लोग ये कर दीजिए 4 6 24, और यहां पे कितना 4 2 8, यानी कि ये आ गया आपका 0, 9 2 18 8 1, और 9 6 54 9 1 55, ठीक है। यानी कि 90% का वैल्यू हो गया 5580 एंड दिस इज द आंसर, ठीक है, 5580 ऑप्शन नंबर 4 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सम्स को अप्रोच कर सकते हैं, जब भी आपका प्रॉब्लम ऑन इलेक्शंस का सम होगा तो हम लोग इस तरह से, हम लोग कितना भी टिपिकल सम हो तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे डायग्राम एक रेडी कर देंगे, और इस तरह से हम लोग परसेंटेज लेके टोटल को 100% मान लेंगे, और उस तरह से हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये बहुत आसानी से आपको बन जाता है। चलिए नंबर टू आप लोगों का सम जो है डिस्प्ले कर दिया गया है।
और हम लोग देखते हैं नंबर टू, पहले जो भी सम्स है ये सारा जो इसका जो पीडीएफ रहेगा हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे और अपने यूट्यूब चैनल के भी ग्रुप लिंक पे शेयर कर देते हैं, वहां पे वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल का भी एक ग्रुप है तो वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो बहुत सारा वहां पे अच्छा सा सम्स का कलेक्शन मिलेगा, आप कर सकते हैं वहां से। नंबर टू, टू बोल रहा है कि इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, यहाँ पे एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। 10% डिड नॉट वोट, यानी कि वोट नॉट कास्ट, ये कितना हो गया 10%, सॉरी ये हो गया आपका वोट डिड नॉट कास्ट, कितना हो गया 10%, ठीक है। तो अगर हम बात करें वोट कास्ट का, वोट कास्ट कितना हो जाएगा 90%, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया यहां पे 100%, 100%, ठीक है। अब बोल रहा है 300 वोट्स वेयर डिक्लेयर इनवैलिड, जो वोट कास्ट हुआ उसमें से 300 इनवैलिड हो गया, 300 क्या हो गया इनवैलिड हो गया, ठीक है। तो अगर हम वैलिड वोट्स का बात करें तो 90% माइनस 300, ठीक है, ये हो गया वैलिड। एंड विनर गेट्स 60% ऑफ वोटिंग लिस्ट, अब यहां पे विनर को जो मिल रहा है 60% मिल रहा है, विनर को मिल रहा है 60%, तो रेस्ट किसको मिलेगा, रनर को। रनर का हम बात करें तो क्या होगा, टोटल वैलिड वोट्स माइनस विनर का, यानी कि क्या हो गया 90% माइनस 300 माइनस कितना 60%, तो यहां पे आ गया 90 माइनस 60 कितना 30% माइनस 300, तो ये हो गया रनर का वोट हो गया, ठीक है। विनर कैंडिडेट 900 वोट्स से क्या कर रहा है, विन कर रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, तो वैलिड वोट्स कितना हो गया आपका, यही हो गया वैलिड वोट्स, नंबर ऑफ वैलिड वोट आपका, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहां पे 20 माइनस 20 यानी कि 60%, नाउ 60% माइनस 30% माइनस 300, उसका जो वैल्यू दिया हुआ है 900 वोट्स, ये हो गया 900 वोट्स, ठीक है। अब यहां पे हम लोग देखते हैं तो यहां पे कितना 60% माइनस 30% और प्लस कितना 300 इक्वल टू कितना 900, ठीक है। तो यहां पे कितना 60 माइनस 30, 30% इक्वल टू कितना 600, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें, मुझे 90% माइनस 300 के वैल्यू चाहिए, तो इसको 90% निकाल लेते हैं, 33 जा 90 छतरी 1800, ये हो गया 1800। तो आपको आंसर क्या चाहिए था यहां पे, 90% माइनस 300 यानी कि 1800 माइनस 300, तो आंसर कितना हो गया 1500, 1500 इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरह के सम को हम इस तरह अप्रोच कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पे, जितना भी टाइप्स का है आपका प्रॉब्लम और इलेक्शंस का, मैक्सिमम टाइप हम कोशिश करेंगे कवर कर लेने का, चलिए फिर भी कुछ बचेगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में भी बता देंगे हम। चलिए हम लोग आते हैं 3 नंबर पे, नंबर 3 क्वेश्चन वहां पे डिस्प्ले कर दिया गया है। अब बोल रहा है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 75% ऑफ वोटर कास्ट देयर वोट्स, यानी कि वोट कास्ट का अगर हम बात करें, वोट कास्ट कितना है 75%,
यानी कि अगर हम बात करें वोट नॉट कास्ट कितना हो गया 25%, तो टोटल कितना हो जाएगा 100%। ठीक है, आउट ऑफ विच 2% वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, यानी कि जो वोट कास्ट हुआ उसका 2% क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, 2% हो गया इनवैलिड। तो अगर हम वैलिड वोट का बात करें तो कितना हो जाएगा 98%, क्योंकि जो वोट कास्ट हुआ उसका 2% क्या हुआ, इनवैलिड हुआ, तो वैलिड कितना हो जाएगा 98%। ठीक है, अब बोल रहा है कैंडिडेट गेट्स 9261 वोट्स, एक कैंडिडेट को 9261 वोट्स मिलता है, ठीक है, विच वेयर 75% ऑफ वैलिड वोट्स, जो वैलिड वोट्स है उसका कितना है 75% है, यानी कि 75% का वैल्यू कितना है 9261। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इनरोल्ड इन द इलेक्शन, यानी कि आपको 100% का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग इस तरह से चेन रूल के थ्रू ऐसे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, 75% का वैल्यू कितना दिया है 9261, तो यहां से 100 निकालेंगे, यानी कि आपको क्या करना है 100% का वैल्यू फाइंड आउट करना है हर केस में। तो यहां पे तीन स्टेप आया आपका, सबसे पहला स्टेप यहां दो और ये तीन, तो यहां पे कितना हो जाएगा अगर हम बात करें 9261 इंटू यहां पे 100/75 इंटू यहां पे कितना हो जाएगा 100/98 इंटू 100/75। अभी देखिए यहां पे कितना 25 चौका 100, यहां पे 25 75। ठीक है, और यहां पे अगर हम बात करें 25 चौका 100 और 25 75, और ये डायरेक्ट 9 से कर सकता है। ठीक है, 3 3 9, तो यहां पे कितना हो गया 9 1 9, और यहां पे कितना 0 9 2 18 8 26 और 9 9 81। ठीक है, तो 1029। अब 98 से अगर हम इसको हम हटाएं तो कितना बार में जाएगा, वो 7 से काटिए। अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 2 2 4 और ये हो गया 49, 7 7 7 7 7 49। अब देखिए 7 1 7, 3 2 14 28 77 49, 147, 7 से भी काट दीजिए यहाँ पे 7 7 2 14 7 1 7। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट टेबल पर जाएंगे 4 2 8। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 8 के टेबल पर जाइए, तो सबसे पहले क्या आएगा 00 आएगा 00, और यहाँ पे कितना 8 1 8 और 8 2 कितना 16, 16820 द आंसर। तो इस तरह से हम ये सम को अप्रोच कर सकते हैं, यानी कि एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत लोग क्या करता है कि x को x मानता है, अगर उसके हम बेसिक का बात करें, आंसर तो मेरा आ गया इस तरह से, अगर हम बेसिक का बात करें तो बहुत लोग क्या करता है कि इसको थोड़ा सा लेंदी में x मान के करता है लोग, यानी ये x मान के क्या करता है लोग उस पे देखते हैं, इसको x मान लिया। ठीक है, और इस तरह से लिखेगा आप 75% ऑफ 98% ऑफ 75% ऑफ x, ये कितना है 9261। ठीक है, तो यहां पे अब क्या करेंगे हम लोग 75/100 लिखेंगे, 75/100 इंटू 98/100 इंटू 75/100 x, ये हो गया 9261। तो यहां से आपका जो x का जो वैल्यू आएगा ये हो गया 9261 इंटू 100/75 इंटू 100/98 इंटू 100/75।
75. अल्टीमेटली हम लोगों को 100 की तरफ जाना है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बार बार 100 को ही ऊपर रख रहे हैं हम। तो ये मेरा इसको कैलकुलेट करने पे वही मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें आंसर कितना है, 16,800। इसको जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग पहले देखे हैं 16,800 मेरा आंसर आया, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है, हम लोग क्या करेंगे उसी तरह से 100 की तरफ जाना है तो 100 को ही हमेशा क्या करेंगे ऊपर रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 पे। अगर हम 4 का बात करें तो 4 इस तरह से बोल रहा है, इन ए इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द कैंडिडेट गेटिंग 60% ऑफ द वोट्स पोल्ड इज इलेक्टेड बाय अ मेजोरिटी ऑफ 14,000, ठीक है। यानी कि एक कैंडिडेट को जो जिसको 60% वोट्स मिलेगा वोट पोल्स का, वो तो विनर रहेगा। यानी कि विनर का हम बात करें, विनर और ये हो गया रनर। विनर को अगर 60% वोट पोल्ड का मिलेगा तो रनर को कितना मिलेगा, 40%, रेस्ट तो रनर को ही मिलेगा पूरा। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द कैंडिडेट गेटिंग 60% ऑफ वोट पोल्ड इज इलेक्टेड बाय अ मेजोरिटी ऑफ, अब इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 20%। 20% का जो वैल्यू है फोर्टीन थाउजेंड, ठीक है। द नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन बाय द विनिंग कैंडिडेट, यानी कि आपको विनिंग कैंडिडेट को कितना मिला। फिर सुनिएगा, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स कैंडिडेट गेटिंग 60% ऑफ वोट्स पोल्ड, एक कैंडिडेट को 60% जो भी वोट पोल्ड हुआ है उसका 60% मिला है, ठीक है। तो वो 14,000 वोट से क्या कर रहा है, विनर रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि द नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन बाय द विनिंग कैंडिडेट, यानी कि 60% का आपको वैल्यू चाहिए जो कि विनिंग कैंडिडेट को मिला था, ठीक है। तो विनिंग कैंडिडेट को अगर 60% मिलेगा तो रनर को कितना मिलेगा, 40%। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 20%। अब आपको क्या चाहिए, 60% का वैल्यू चाहिए, 60%। तो यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई कर, डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना, 42,000 इज द आंसर, ठीक है। ये सम बहुत ही आसान था। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट नंबर 5 पे। नंबर 5 देखते हैं हम लोग, बोल रहा है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 68 वोट्स वेयर डिक्लेयर इनवैलिड। दो कैंडिडेट के वोट में इलेक्शन है, दो कैंडिडेट्स में क्या है, इलेक्शन हो रहा है। तो उसमें से बोल रहा है कि 68 वोट्स वेयर डिक्लेयर इनवैलिड, यानी कि अगर हम इनवैलिड वोट का बात करें हम, तो 68 है, ठीक है। एंड विनिंग कैंडिडेट सिक्योर 52% ऑफ वैलिड वोट्स, ठीक है। तो ये हो गया वैलिड वोट्स। अब इसमें से इस वैलिड वोट का विनिंग कैंडिडेट को जो मिलता है, विनर को कितना मिलता है, 52% ऑफ वैलिड वोट्स, 52% मिलता है, 52%। एंड विंस बाय 354, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, यानी टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, ठीक है। तो वोट्स पोल्ड में क्या हो गया, अगर हम बात करें वोट्स पोल्ड, तो ये वैलिड वोट्स को हम लोग मान लिए, यहाँ पे हम लोग 100% मान लिए, कितना मान लिया, 100%। यानी कि ये हो गया 100% अब प्लस कितना, 68, दिस इज वोट पोल्ड, ठीक है। अब देखिए यहां पे बोल रहा है कि एट एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 68 वोट्स वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 68 वोट्स क्या है, इनवैलिड है, ठीक है।
एंड विनिंग कैंडिडेट सिक्योर 52% ऑफ वैलिड वोट्स। विनिंग कैंडिडेट को टोटल वैलिड वोट का 52% मिलता है, तो रेस्ट किसको मिलेगा? रनर को मिलेगा। रनर को मिलेगा कितना? 48%। ठीक है, अब यहां पे बोल रहा है एंड विन्स बाई, विनर जो कितना जीत रहा है, 354 वोट से जीत रहा है। ठीक है, तो यहां पे डिफरेंस कितने का आ गया, 52 माइनस 48, ये हो गया 4%। 4% का वैल्यू कितना हो गया, 354। तो आपको तो ये चाहिए पूरा 100% प्लस 68। तो अगर यहाँ पे 100% का वैल्यू बात करें हम, तो 100% इज इक्वल टू ये हो गया 354 बाई 4 इंटू कितना, 100। ठीक है, तो यहाँ पे इसको काट दीजिए, यहाँ पे 4 4 8 32 3 और 4 4 8 32। ठीक है, और 4 5 20 यानी कितना आ गया आपका, 8850। अब यहां पे आपको क्या चाहिए, अगर हम वोट पोल्ड का बात करें हम, तो कितना 100% का वैल्यू आ गया, 8850 प्लस 68, दैट मींस यहां पे 8 आ गया, यहां पे कितना 6 और 5 11 के 1, और यहां पे कितना 8918 इज द आंसर, 8918 ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट सम पे, आते हैं सम नंबर 6। सिक्स का बात करें, एट एन इलेक्शन इन्वॉल्विंग टू कैंडिडेट, ठीक है, 68 वोट्स वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक है, उसी टाइप का सम है, तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, फिर यहाँ पे अप्रोच देख लीजिएगा। बोल रहा है कि 68 वोट्स वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, अगर हम इनवैलिड वोट का बात करें तो कितना है 68, और यहाँ पे हम मान लिए वैलिड वोट्स है वो कितना है 100% हम मान लिए। ठीक है, द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर 52%। ठीक है, और विनिंग कैंडिडेट को यहाँ पे विनिंग कैंडिडेट को 52% मिल रहा है, तो रेस्ट किसको मिलेगा, रनर को कितना, 48%। ठीक है, और उसको 98 वोट ज्यादा मिल रहा है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया आपका, 4%। 4% का वैल्यू कितना हो गया, 98। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, अगर वोट्स पोल्ड का बात करें हम, तो ये कितना आ जाएगा, 100% प्लस 68, दिस इज वोट्स पोल्ड। ठीक है, तो यहां से हम 100% का वैल्यू निकालेंगे, 100% 100% इज इक्वल टू 98 बाई 4 इंटू कितना, 100। तो यहां पे काट दीजिए डायरेक्ट, 4 4 2 8 4 4 16 4 5 20, यानी कि 2450। ये किसका वैल्यू है, 100% का वैल्यू है, 2450। तो यहाँ पे 100% कितना हो गया, 2450 प्लस 68, तो यहाँ पे कितना आएगा, 8, यहाँ पे कितना 5 और 6 11 के 1, और यहाँ पे कितना 24 और 1 25, दिस इज द आंसर, 2518 ऑप्शन नंबर कितना हो गया, 3। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 7 पे। 7 का हम लोग बात करें तो 7 कुछ इस तरह से बोल रहा है, सेवन बोल रहा है, इन एन इलेक्शन 30% ऑफ वोट्स वोटर वोटेड फॉर कैंडिडेट ए। ठीक है, एक इलेक्शन में ए के लिए 30% लोग वोट किया। ठीक है, वेयर एज 60% ऑफ द रिमेनिंग, यानी कि यहां पे
टोटल कितना है अपने आप में, वो क्या होता है 100% होता है, ए को कितना मिला 30% मिला, तो रेस्ट किस, रेस्ट अगर हम बात करें रिमेनिंग का बात करें तो वो कितना 70% हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि हाँ 60% ऑफ द रिमेनिंग, यानी कि हम बात करें 60% ऑफ 70, तो यहाँ पे बी को अगर हम मिलेगा कितना, बी को मिलेगा 60% ऑफ 70, यानी कि 60% ऑफ 70%, यानी कि 642, 42%, ये रफ वर्क हुआ। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि ए को मिला कितना मिला 30%, बी को कितना मिलेगा 42%। बोल रहा है इन एन इलेक्शन बिटवीन 30, इन एन इलेक्शन 30% ऑफ वोट्स वोटर्स वोटेड फॉर कैंडिडेट ए, यानी कि एक इलेक्शन में टोटल 100% है तो 30% किसके लिए वोट किया, ए के लिए वोट किया। ठीक है, और वेयर एज 60% ऑफ द रिमेनिंग वोटेड फॉर कैंडिडेट बी, रिमेनिंग का 60%, रिमेनिंग का 60% बी के लिए आया, तो रिमेनिंग कितना बचेगा 70%, यानी 60% ऑफ 70%, तो वो कितना हो जाएगा 42% किसको मिला है, बी को मिल गया। ठीक है, द रिमेनिंग वोट्स डिड नॉट वोट, वोटर्स डिड नॉट वोट, तो रिमेनिंग जो बच गया, अब देखिए रिमेनिंग कितना बच जाएगा, तो टोटल 100 में से बात दे देंगे हम, ये हो गया रिमेनिंग का अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा 100% माइनस इधर कितना 30, 40, 70, 72%, यानी कि 72%, यानी कि कितना हो जाएगा 28%, 28% लोग वोट नहीं दिया। ठीक है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द दोज हु वोटेड फॉर कैंडिडेट ए, यानी कि द डिफरेंस बिटवीन दोज हु वोटेड फॉर कैंडिडेट ए एंड दोज हु डिड नॉट वोट, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हो गया 1200 है, यानी कि 2% का जो वैल्यू हो गया, 2% का हो गया वैल्यू कितना 1200। ठीक है, हाउ मेनी इंडिविजुअल्स वेयर एलिजिबल फॉर कास्टिंग वोट्स इन दैट इलेक्शन, यानी कि 100% का वैल्यू चाहिए, यानी कि 100%, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू कितना हो गया 600, अब 6 पे कितना 1, 2, 3, 4 0 आ जाएगा, यानी कि 60,000 इज द आंसर। ठीक है, चलिए बात करें, बोल रहा है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स ए एंड बी, ए सिक्योर्ड 56% ऑफ वैलिड वोट्स। ठीक है, ए को मिला 56%, यानी कि वैलिड वोट्स का ए को मिलता है 56% एंड ओन बाय 48,000 वोट्स, यानी कि ठीक है ए को मिल रहा है 56%, तो रेस्ट मान लेते किसको मिलता है, बी को मिलता है, तो बी को कितना मिलेगा 44%। ठीक है, तो दोनों का जो डिफरेंस आ गया कितना हो जाएगा यहाँ पे 12%, 12% का जो वैल्यू हो गया 48,000। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इफ 20% ऑफ द वोट्स वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, यानी कि यहाँ पे वैलिड इनवैलिड भी है। चलिए अगर इनवैलिड का हम बात करें, इनवैलिड कितना है 20% है, तो वैलिड कितना हो जाएगा 80%, तो टोटल कितना वोट पोल्ड हुआ है 100%। ठीक है, तो अब हम लोग डायरेक्ट इस तरह से हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे 48,000 इंटू 100/12, पहला केस यहां तक आ गए हम लोग, ये इसको लेके चले, फिर कितना 80, दो ही स्टेप है, इंटू कितना 100/80। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें तो ये हो गया 5, ये 4, बरचौ 48, तो ये कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, तो यहाँ पे 3 0 और 2 0 5 0, यानी कि 5 पे 5 0,
दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया। ये सम बहुत ही आसान था, बोल रहा है कि एक कैंडिडेट को टोटल वैलिड वोट्स का मतलब ए को 56% मिलेगा वैलिड वोट का, तो रेस्ट किसको मिलेगा, 44% किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। और उसमें जो है वहां पे जो वोट पोल्ड हुआ था उसका 20% वोट क्या था, इनवैलिड था। यानी कि 20% अगर इनवैलिड है तो वैलिड कितना हो जाएगा, 80%। ठीक है, तो टोटल पोल्ड वोट, वोट पोल्ड कितना हो जाएगा, 100%। अगर वोट पोल्ड का बात करें, वोट पोल्ड वो कितना हो जाएगा, 100%। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है इतना हजार वोट से क्या किया, विन किया है, यानी कि 12% का वैल्यू यहाँ पे है इस तरह से। तो 12 हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो यानी कि 100 को हमेशा ऊपर रखेंगे। दो स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे और सेकंड स्टेप यहाँ पे, यानी कि 48,000 इंटू कितना, 100/12 इंटू कितना, 100/80, यानी कि कितना, 500,000। ठीक है, चलिए 9 नंबर सा प्रॉब्लम नंबर 9। 9 नंबर का अगर हम बात करें तो 9 नंबर कुछ इस तरह से सम है। बोल रहा है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स ए एंड बी, ए गॉट 65% ऑफ टोटल वोट्स कास्ट। ठीक है, यानी कि कास्ट वोट का इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स ए एंड बी, ए गॉट 65% ऑफ टोटल वोट कास्ट। वोट कास्ट का ए को 65% मिला, 65% मिला, एंड ओन द इलेक्शन बाय 2748। अब इस तरह से वो कितना वोट से जीत गया, 2748। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट इफ नो वोट इज डिक्लेयर्ड इनवैलिड। यानी कि यहाँ पे कोई भी वोट क्या है, इनवैलिड नहीं है। ठीक है, तो यानी कि जितना लोग वोट कास्ट किया सभी लोग वैलिड हो गया यहाँ पे। यानी कि ए को 65 मिलता, मान लेते हैं बी रनर है जिसको कितना मिलेगा, 35%। तो दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया आपका, यहाँ पे हम लोग बात करें 30%। 30% का वैल्यू कितना हो गया, 2748, तो यहाँ पे कितना हो गया, 100%। तो यहाँ पे 2748/30 इंटू कितना, 100। ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 से काट दीजिए, 3 × 3 = 27 और 16 × 3 = 48, यानी कि 9160। दिस इज द आंसर, 9160 इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होगा आंसर। ठीक है, 9160। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दस नंबर का हम लोग बात करेगा, तो 10 नंबर सम कुछ इस तरह से है। बोल रहा है कि 10% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे बात करें वोट नॉट कास्ट, ये कितना हो गया, 10%। तो यहाँ पे अगर हम बात करें वोट कास्ट 90%। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 100%। टोटल हो गया आपका 100%। ठीक है, 10% ऑफ द वोट्स पोल्ड वेयर फाउंड इनवैलिड। अब इसका जो 10% है वो इनवैलिड है, ये 10% कितना हो गया, इनवैलिड। तो अगर हम वैलिड का बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 90%। ठीक है, द सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 54% ऑफ वैलिड वोट्स। तो यहाँ पे रनर सॉरी विनर को कितना मिलता है, 54%। तो रेस्ट किसको मिलेगा, रनर को मिलेगा, रनर को कितना मिलेगा, 46%। ठीक है, बोल रहा है कि द सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 54% ऑफ वैलिड वोट्स।
54% अगर इसका मिलता है, को मिलता है, तो आपको रनर को कितना मिलेगा? 46%, क्योंकि दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 100%. तो अगर हम इन अब बोल रहा है एंड ओन द मेजोरिटी ऑफ 1620, अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कितना है? 1620 का है, ठीक है. द नंबर ऑफ वोट्स एनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट, यानी कि आपका एनरोल्ड वोट चाहिए, ये वोट चाहिए, ठीक है. चलिए, तो ये डिफरेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 14 - 6 = 8, 8%. 8% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1620. फिर से वही चेन रूल की हम लोग बात करते हैं. तो अब यहाँ से कितना स्टेप आएगा? पहला स्टेप यहाँ पे आया, 1, 2 और 1, 3, ठीक है, और कुछ नहीं है. यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 1620 इंटू कितना? 100/8 इंटू यहाँ पे आ गया 100/90 इंटू 100/90, ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इसको हटा दीजिए और यहाँ पे ये जीरो कैंसिल कर दीजिए, और यहाँ पे 9 से काटेंगे, 9 * 9 = 72, ठीक है. 9 और यहाँ पे हो गया 2, ठीक है. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 और यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना? 4 और ये 25, यानी कि 25 * 30, 25 * 2 = 30. दिस इज द आंसर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, ठीक है. तो ये रहा आपका आज का प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्शन, उस पे आपका आज का पूरा सेशन था. तो दोस्तों, आज का ये आपको क्लास कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा. और भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम ऑन इलेक्शन में अगर डाउट हो, तो आप एक काम कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप सम को शेयर कर दीजिए, और मैं कुछ दिन बाद उसको सॉल्व करके वीडियो इसी तरह से आपको अपलोड कर दूंगा, ताकि आपका हेल्प हो जाए, ठीक है. दोस्तों, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपका अच्छा अच्छा सम्स का कलेक्शन आपको दिया जाएगा, पेपर्स भी वहाँ पे देते हैं, ठीक है. तो और यहाँ इसका जो PDF रहेगा, आज जो सम्स करा है उसका PDF दोनों जगह ही आपको मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगा, और आपको हम YouTube चैनल पे भी हम दे देंगे, ठीक है. तो आज का सेशन इतना ही तक रहा, आज के लिए थैंक यू.